नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। फरवरी 2021 मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लग्न कुंडली देखिएगा। सबसे पहली आपकी कुंडली में लग्न कुंडली लिखा होगा, पहले घर में 10 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज स्टॉप कर दीजिएगा। जनरली आप लोग गलती ऐसा करते हैं, आपकी कुंडली में जहाँ भी लग्न कुंडली हो, चंद्र कुंडली हो, जहाँ चंद्र लिखा होगा वहाँ 10 लिखा हो, तो आपका 10वीं राशि है मकर, तो मकर राशि है आपका, लग्न नहीं। अगर लग्न कुंडली में पहले घर में 10 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। इस महीने को मैंने ऐसा लिखा है, देखिए लॉर्ड एवरीथिंग इज इन ए कैप्रिकॉर्न, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय है आपके लिए। इस साल का सबसे बढ़िया समय चल रहा है, शनि गुरु का निजभंग राजयोग आपके कुंडली में हुआ है, गुरु नीच राशि का है और शनि अपने ही घर में है, निजभंग राजयोग है। देखिए आजू बाजू क्या चलता है इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। लॉर्ड ऑफ द 6, 8 and 12 इज इन लग्न, 6, 8 and 12 का स्वामी लग्न में है। आपको केयरफुल भी रहना है बट टेक अ रिस्क, अगर कैलकुलेशन से आप चलते हैं और आपको लगता है रिस्क लेने लायक है, टेक अ रिस्क। देखिए जैसे ये महीने में शुक्र देखिए आपके लग्न में 28 January to 20 February तक आ गया। शुक्र क्या दे सकता है? शुक्र मौज दे सकता है, हैप्पीनेस दे सकता है, अच्छे कपड़े दे सकता है, अच्छा खाना दे सकता है। शुक्र लग्न में आ गया, आपके अंदर फ्लर्ट पना आनंद बढ़ेगा। और पर्टिकुलरली देखिए चंद्र शुक्र का युति 11 फरवरी को हो रहा है, 11 फरवरी मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए, फॉर लव इट्स नॉट फेवरेबल बट फॉर द पीपल, लग्न में देखिए 11 फरवरी को चंद्र शुक्र का युति हो रहा है मकर राशि का, तो ये दिन अगर प्यार करते हैं तो उनको पूछने के लिए बेस्ट है। लग्न में शुक्र आया है ये महीना वाहन योग देगा। इफ़ यू आर सिंस अ लॉन्ग टर्म, लोग ऐसा पूछते रहते हैं हमको हमेशा कि हम वाहन लेना चाहते हैं, बेसिकली देखिए कैप्रिकॉर्न लग्न के लिए 28 January to 20 February में वाहन योग है। अभी ऐसे टाइम पे कभी कभी वाहन योग, देखिए अगर परमानेंट वाहन योग नहीं होता हमारी कुंडली में तो कोई दोस्त मिल जाता है जिसके साथ बैठ के हम शान से इधर उधर ट्रैवलिंग में चले जाते हैं। इन शॉर्ट 28 January to 20 February आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस महीने को मैं दो हिस्से में बांट सकता हूँ, 22 January to 19 February तक का जो समय है ये देखिए, ये समय है यू आर हैप्पी एट होम, घर में आप आनंद में हैं। 22 January to 19 February में घर में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, 22 January to 19 February में हो सकता है कुछ नया प्लान करें, पर्टिकुलरली घर के मामले में, मन के मामले में, अंदर मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव कर पाएंगे, उसमें त्याग भी मिला होगा। 20 February to 24 March देखिए दिस इज द टाइम, 20 फरवरी से 24 मार्च के दौरान आप कोई नई आइडिया आएगी, बच्चों से विवाद टालिएगा, राहु फिफ्थ हाउस में है। हर अमावस को विष्णु सत्यनाम करके बैठे जल में नारियल बहाइएगा, 11 फरवरी को अमावस है, अमावस के दिन बिना भूले विष्णु सत्यनाम करके नारियल बहा दीजिएगा, बच्चे के साथ संतान के साथ विवाद होगा ही, ये ध्यान में रखिएगा। दोज हू आर स्टूडेंट पर्टिकुलरली, देखिए वो ये फेवरेबल टाइम नहीं है, जो भी स्टूडेंट है उनके लिए कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी, मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़िएगा। पर्टिकुलरली देखिए 11 तारीख आपको फ्लर्ट बनवा के छोड़ेगा, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। जॉब और सर्विस या बिजनेस के लिए कर्मेश आपके लग्न में आ चुका है, काम धंधे में 28 January to 20 February में एक बहुत बड़ा मौका हाथ आएगा, कर्मेश आपके लग्न में आया, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऐसा कुछ ना कोई काम होगा। जो दो ज्यादातर मैं देखिए कैप्रिकॉर्न लग्न को देखता हूँ, कर्मस्थान में शुक्र की राशि है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फीमेल फैशनेबल शीट से जुड़े होते हैं ज्यादातर, ये शुक्र की राशि है कर्मस्थान में, और पर्टिकुलरली ये शुक्र को जन्म कुंडली में तो देखें ही देखें बट नवमांश कुंडली में भी वो कौन सी राशि में ये जरूर देखें। अगर नवमांश में अगर वृषभ या तुला राशि का ही हो या मीन का हो तो 100% आपको टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से फायदा होता है। आपका कर्मस्थान बहुत सुंदर है, शुक्र की राशि है और कर्मेश लग्न में आया, वाहन से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हुए मैंने बहुत कैप्रिकॉर्न को देखा है। कैप्रिकॉर्न कर्म प्रधान लग्न है, बहुत मेहनती है, लग्न में शनि आया है, गदा मजूरी बढ़ेगा, देखिए काम बढ़ेगा, लॉजिकली जब काम बढ़ता है तो पैसा बढ़ेगा ही, शॉर्ट टाइम में जैसे ही लग्न धनस्थान में जाएगा यानी कि शनि जब मारेगा सेकेंड हाउस में तब पैसा भी बढ़ाएगा। अभी 7.5 के जनरली देखिए अगर जो लग्न में शनि है तो ये काम बढ़ाता है, 7.5 जैसा ही इफेक्ट है, गधा मजूरी करवाता है, छोटे लोगों के साथ काम करवाता है, बहुत बड़ा प्रमोशन एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता बट काम धंधे में 28 January to 20 February एक अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। टेक द एडवांटेज, पीछे नहीं हटिएगा काम में, आजू बाजू भी ध्यान रखिएगा, दुश्मन आप पर देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाल चलेगा, षष्ठेश लग्न में
अष्टमेश लग्न में और वेश भी लग्न में, सारे प्लेनेट लग्न में सिर्फ लाभेश को छोड़ के, लाभ ग्यारहवें स्थान का स्वामी को छोड़ के बाकी सब लग्न में है। आप पंचमेश लग्न में, तृतीयेश लग्न में गुरु, सब लग्न में सिर्फ एक्सेप्ट ये ग्यारहवें स्थान का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी छोड़ के, चतुर्थ चतुर्थ में हेल्थ के लिए मैं कोई इश्यू नहीं देख रहा हूँ। छठे स्थान में कोई पापग्रह नहीं, षष्ठेश लग्न में है वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं कर देगा। बुध का अपना ऐसी अस्तित्व ऐसा बड़ा पावरफुल नहीं है कि शनि के लग्न को हिला दे। सो हेल्थ का कोई इश्यू नहीं देख रहा हूँ मैं। लव के लिए ये फेवरेबल समय नहीं है। राहु फिफ्थ हाउस में कभी कभी नालायक इंसान से प्यार हो जाता है, राहु फिफ्थ हाउस से इल्यूशन निर्माण करता है, मतलब आप प्यार नहीं करते, आपको वो प्यार नहीं करता बट आप मिसअंडरस्टैंडिंग में रह जाते हैं। राहु का काम है भ्रम निर्माण करना, ये कुछ गड़बड़ करा सकता है। सो नो फेवरेबल टाइम एक्सेप्ट। ये चंद्र शुक्र का युति 11 फरवरी को हो रहा है, 11 फरवरी के दिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैरिज का फुल चांस है, देखिए सप्तम स्थान को गुरु देख रहा है, तो जो हुआ अनमैरिड जो और उनके लिए चांस है, जो औरतें कंसीव होने की ट्राई कर रही हैं, देखिए फिफ्थ हाउस से राहु जा रहा है, मतलब ये बच्चे के लिए संतान पैदा करने के लिए ये समय, कहीं ना कहीं देखिए गुरु की ताकत आपको बढ़ानी पड़ेगी, विष्णु सहस्त्र नाम करके राहु को कमजोर करना पड़ेगा। आपकी बिल्डिंग का या सोसाइटी का स्वीपर होगा, उसको दान दक्षिणा करते रहे, मतलब उसको यथाशक्ति अन्न का अन्न दान करे या वस्त्र दान करे। आपके फिफ्थ हाउस में राहु आया, राहु को खुश करने के लिए ये सब करते रहे। बच्चों से विवाद नहीं करिएगा, आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपको नहीं पहचान पाएगा जब तक राहु आपका फिफ्थ हाउस नहीं छोड़ता। राहु 11 अप्रैल 2022 तक आपका फिफ्थ हाउस नहीं छोड़ेगा। 11 अप्रैल 2022 तक अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन छोड़ देने को बहुत बार जी करेगा बट केयरफुल रहिएगा, एजुकेशन अभी नहीं छोड़िएगा। गुरु कृपा है, गुरु को बल देते रहिएगा, गुरु मंदिर में जाइएगा। चतुर्थ स्थान में मंगल है, घर में देखिए ये थोड़ा तनाव सा वातावरण भी देता है जब तक चतुर्थ में मंगल जाएगा 24 दिसंबर से 21 फरवरी तक। मैंने बोला देखिए 19 फरवरी तक मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव होगा। घर में अगर झगड़ा झगड़ी का वातावरण है यानी कि क्वारल का वातावरण है तो एटलीस्ट ट्यूजडे को फास्ट रख सको तो बेस्ट, और मंदिर में जाएं एटलीस्ट गाय को गुड़ खिलाएं, गुरु मंदिर में जाए गाय को गुड़ खिलाएं, लाभ होगा। और पर्टिकुलरली अगर जो प्रॉपर्टी से, अगर आप कैप्रिकॉन लग्न है प्रॉपर्टी के चक्कर में है, प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में, तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम साबित होगा। चतुर्थ स्थान का मंगल है, ये प्रॉपर्टी का लाभ देगा, ये रुचक योग बना है पंच महापुरुष योग का, और लग्न में शनि से शेष योग बना है, दो पंच महापुरुष योग बना है, गुरु को निजभंग मिला है। और लग्न में ज़्यादा ग्रहों का जमा होना ये एक तरह से बहुत बड़ा चांस बता रहा है। मैं एक शोर्ट आई हैव रिटर्न टेक अ रिस्क लीजिएगा, आजू बाजू क्या हो रहा है इसको भी ऑब्जर्व कीजिएगा। वन मोर थिंग, देखिए अभी ये बुध और गुरु का गुरु अस्त हो रहा है, आपको ज़्यादा फर्क, देखिए गुरु लग्न में 16 जनवरी से 10 फरवरी तक, 10 फरवरी से गुरु का सपोर्ट भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये केयरफुल रहने की डेट्स मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए आपका सप्तमेश चंद्र है, ये जब 6, 8 या 12 में जाएगा, ये तारीख है 6, 8, 12 में जब चंद्र जाए, चंद्र को हमारे मन से बहुत संबंध है, यानी कि ये मानसिक जो तनाव का कारण है, पागलपन का जो कारण है, उस चंद्र को माना जाता है। और चंद्र से 6, 8, 12 से जब भी मूव होता है वो वक्त टेंशन का होता है, जैसे कि अभी 7 और 8 फरवरी को धनु में चंद्र है, 12वां चंद्र है, सप्तमेश 12वां है, तो ये दिनों में आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के लिए खर्च होगा, मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ झंझटों में ना पड़िएगा 7 और 8 फरवरी को। बेसिकली देखिए शुक्र भी ऑलरेडी लग्न में आ चुका है, मैरिज लाइफ का स्पाउस कहीं जीत करेगा, खर्च करवाएगा, ये 7 और 8 फरवरी थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा आप पर। 21, 22 और 23 फरवरी को आपके 6वें स्थान में चंद्र जाएगा, सप्तमी 6 में मैरिज लाइफ का स्पाउस का हेल्थ का इश्यू आ सकता है, कहीं ना कहीं टेंशन भरा टाइम है, झगड़े का टाइम है 21, 22 और 23 फरवरी को। पर्टिकुलरली देखिए 21 तारीख को तो रात को 10 बजे तक, मतलब सिर्फ 22 और 23 ही समझे, 21 को तो रात की बात हो गई, तो 22 एंड 23 विल बी मोर, यू हैव टू बी मोर केयरफुल। ये कहीं अगर आपको लगता है कि ये शत्रु है, उसके पास लेके जाना है कोई मुद्दा आपका, तो इस दिन में दूर रहिएगा, अचानक आपको टेंपर आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपको गुस्सा आएगा। 22-23 केयरफुल रहिएगा। 26-27 फरवरी
कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपमानजनक सिचुएशन आएगा, आपको दुख होगा। 26-27 ये 7-8-22 से भी 26-27 इन दिनों में अगर आप जॉब वर्किंग है, बेसिकली देखिए लग्न में शनि आया है, कर्मस्थान को शनि देख रहा है, तो ज्यादातर मैं ये टाइम ऐसे टाइम में जब लग्न कर्मस्थान को शनि देखता है तो जवाबदारी बढ़ाता है। काम चोरी नहीं करिएगा, अगर आप वर्किंग पीपल है, जॉब डूइंग जॉब है, बिजनेस वाले हैं तो आज का काम कल पर नहीं डालिएगा। नौकरी करते हैं ऐसे पर्सन है तो देखिए जवाबदारी हाथ में लीजिएगा, रिश्वत से दूर रहिएगा। कर्मस्थान को शनि देख रहा है, बी रिमेम्बर अगर कर्मस्थान को देखता हुआ शनि बहुत बार अगर आप काम चोरी करेंगे तो ये वो बर्दाश्त नहीं करता, टॉलरेट नहीं करता, ये आपको डिमोट भी कर सकता है, डिमोशन भी कर सकता है। गुरु शनि का निजभंग राजयोग हुआ है, अपने पोजीशन को जाने, आजू बाजू का पोजीशन जाने, देकर रिस्क, ये महिला वाहन योग देकर छोड़ेगा। अभी देखिए अगर आपके चतुर्थान में घर के अंदर अशांति है तो देखिए ये प्रदोष का व्रत है, पर्टिकुलरली 9 फरवरी को और 24 फरवरी को, पर्टिकुलरली 9 और 24 फरवरी को ये शिव का व्रत है, भगवान शिव का। और चंद्र का जो दोष है, जैसे जन्म का चंद्र अगर 6-8-12 में, डेफिनेटली मैरिज लाइफ के लिए समस्याजनक है कैप्रिकॉर्न का चंद्र 6-8-12 में होना। जन्म का चंद्र 6 में है, 8 में या 12 में, तो मैरिज लाइफ के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्याजनक चीज़ है। इसके लिए आप शिव उपासना करें, शंकर भगवान को जलाभिषेक करें, पर्टिकुलरली 9 तारीख को और 24 फरवरी को। अभी विनायक चतुर्थी है 15 फरवरी को, अगर घर में अशांति जैसा महसूस करते हैं तो विनायक चतुर्थी का जो गणेश जी का ये व्रत है, ये व्रत करिएगा। और मैंने विष्णु सहस्रनाम आप सबको बोला है करने के लिए, जब तक आपके 5th हाउस में राहु है, ये बुद्धि बिगाड़ता है। देखिए ये कभी कभी अपने स्वार्थ भरे निर्णय भी लिलवाता है। 5th स्थान में राहु है मतलब देखिए ये संतान से डेफिनेटली कहीं ना कहीं असंतोष दिलवाता है। आप जिस चीज को एजुकेशन में पर्टिकुलरली डिस्टर्ब कर सकता है, मतलब ले एग्जाम में सेंटर पे पहुंचना, एजुकेशन के लिए दिल नहीं लगना। गुरु का ताकत बढ़ाते रहिएगा, कोई भी गुरु मंदिर है घर के पास, साईं बाबा का, गुरुदत्त का, स्वामीनारायण का, कोई भी टेम्पल हो गुरु का, गुरु मंदिर में रेगुलर जाइएगा। ये राहु की नेगेटिविटी कंट्रोल हो सकती है सिर्फ गुरु की कृपा से। और सूर्य लग्न में देखिए 14 जनवरी से 11 फरवरी तक सूर्य लग्न में, इट इज लॉर्ड ऑफ योर 8th हाउस, आपके ईगो को भी थोड़ा संभालना चाहिए। लग्न में जो भी पापग्रह, पर्टिकुलरली देखिए लग्नेश, अगर शनि लग्नेश मान के हम सोचे कि ये पापग्रह नहीं है तो सूर्य तो पापग्रह है ही। 14 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक सूर्य को जल दीजिएगा, आपका ईगो के लिए भी ठीक रहेगा। आपको कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्टिव ईगो, मतलब जनरली देखिए जब लग्न में सूर्य आता है तो इंसान ऐसा सोचता है आई एम समथिंग, क्योंकि अब स्टार इतने सारे फेवर में आ गए हैं आपके कि आपका आई एम समथिंग होने लग जाएगा। 14 जनवरी से 11 फरवरी कोई ना कोई सेल्फ रिस्पेक्टिव और या ईगोस्टिक नेचर की वजह से आप ट्रबल में आ सकते हैं। तो सूर्य पूजा करिएगा, सूर्य को जल चढ़ाइएगा और जपा कुसुम शंकाशम काष्ठे मां जतिं तमोरिं सर्व पापं न प्रणतोस्मि दिवाकरं, सूर्य का मंत्र करके सूर्य को जल चढ़ाइएगा। ये दिन में केयरफुल रहिएगा। इस महीने में मैं बच्चों से विवाद टालने के लिए आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ, टेक अ रिस्क, वाहन योग है। अगर आप बहुत टाइम से अगर व्हीकल को प्लान कर रहे हैं तो व्हीकल का भी आप रिस्क ले सकते हैं 28 जनवरी से 20 फरवरी में। इन शॉर्ट मकर लग्न के लिए धीरे धीरे पोजीशन अभी इम्प्रूव होती नजर आएगी, क्योंकि गुरु लग्न में नवंबर से लग्न में आ चुका है, 20 नवंबर से गुरु लग्न में आ चुका है। ये मकर राशि में को लग्न, मकर राशि के लग्न में ही 5 अप्रैल तक रहने वाला है, 6 अप्रैल से ये धनस्थान में जाएगा, यानी कि ये आपको आर्थिक नए सोर्स भी खड़े करेगा अप्रैल के बाद। अभी प्रेजेंटली मैंने खाली सिर्फ विष्णु सहस्रनाम करने के लिए बोला है, और जो लोग मानसिक तनाव से घिरे हुए उनको 9 फरवरी और 24 फरवरी को भगवान शिव का दर्शन करने बोला है, और जिनके घर में अशांति है उनके लिए पर्टिकुलरली मैंने विनायक चतुर्थी का व्रत करने के लिए बोला है, गणेश जी का। बाकी ये वीडियो के बारे में और एक बात बोल रहा हूँ कि ये देखिए गजकेसरी योग के बारे में, हर महीने में 4 गजकेसरी योग बनते हैं, अब 4 गजकेसरी योग बनते हैं। गजकेसरी योग के बारे में आप सुनते होंगे, कहीं कुछ भी लिखा है, बेसिकली आप अगर जो बिजनेस से जुड़े हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए और पैसा खींचना चाहते हैं, देखिए यहाँ गुरु है आपके ट्रांजिट में, स्काई का जो ट्रांजिट का जो जुपिटर है वो लग्न में है, तो चंद्र जब यहाँ और यहाँ आएगा तब गजकेसरी योग बनेगा। हर 2 दिन से चंद्र मूवमेंट में आगे की राशि में मूव होता है। महीने के स्टार्टिंग में कन्या राशि से चंद्र है,
यानी कि तुला राशि का जो ये चारों चार गज के श्री योग आपके लिए फायदे के हैं। केंद्र का गज के श्री ये एक भी बैकडेस में नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। 4 तारीख 2:10 को तुला का मतलब आपके कर्मस्थान में हुआ गज के श्री योग है, ये कहीं ना कहीं अच्छा फल देगा। चंद्र गुरु का गज के श्री योग 4 फरवरी को काम धंधे में अच्छा है, 11 फरवरी को लग्न में आया हुआ गज के श्री योग बना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका आपके पास बहुत बड़ा ऑफर भी आ सकता है। 11 फरवरी भी अच्छा है, 18 फरवरी का जो है वो चतुर्थान का गज के श्री योग बना है, और 25 फरवरी को सप्तम स्थान का दो हुआ अनमैरिड उनके लिए 25 फरवरी मैरिज के लिए बेस्ट दिन रहेगा। गज के श्री योग बना है चंद्र गुरु का, अगर लड़की देखने जाने का प्रोग्राम है, लड़का देखने जाने का प्रोग्राम है, और 25 फरवरी को करिएगा। जनरली क्या होता है, मैंने जो कैप्रिकॉर्न लग्न को देखा है सामने से विवाह का ऑफर आता है, सप्तम में चंद्र की राशि है, इसके लिए मैरिज लाइफ का स्पाउस थोड़ा मूडी होता है। बेसिकली आप जिंदगी में बहुत मेहनती पर्सन है, शनि लग्न है, शनि का लग्न है, मकर राशि है, कर्म प्रधान लग्न है आपका, कर्मस्थान में शुक्र की राशि है, कर्मस्थान बहुत सुंदर है, छोटे लोगों के साथ काम करना पड़ता है, और आने वाला देखिए 2022 तक आपके लग्न में शनि है, अगर रिश्वत से आपका काम जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं काम चोरी करते हैं, तो ये सब शनि लग्न का बर्दाश्त नहीं करता, आपको डिमोट कर दिया जाएगा। रिमेंबर दिस, यू हैव टू पुट ए हार्ड वर्क, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोविड की वजह से इकोनॉमी बिगड़ा हुआ है, लग्न में शनि का भले निष्भंग राज्य हुआ है, बट गफलत में नहीं रहिएगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मार कीजिएगा। जो लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज़ माई सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।